भोजन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भोजन करने के साथ जुड़ी कुछ बातें विशेष हैं, जिनको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। खाना तो सभी खाते हैं, पर जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वह यह है कि खाना खाने के बाद हमें क्या नहीं करना चाहिए। इन बातों को हम अपने जीवन में पूरी तरह अनुसरण कर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। कई बार ऐसा होता है कि हमने सोच समझ के वो खाया जो बहुत हेल्थी है, न्यूट्रिशन भी सारे हैं, पर फिर भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। या इसको हम ऐसे कहें कि जो न्यूट्रिशन हमने खाया वह शरीर को मिला नहीं। क्वेश्चन है, क्यों नहीं मिला? तो बात ये है कि हम खा तो अच्छा रहे हैं, लेकिन फायदा नहीं हो रहा है। कुछ तो गलत कर रहे होंगे हम। फर्स्ट, कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद फलों का सेवन कदापि न करें। फ्रूट्स जरूर खाने चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स में विटामिन्स होते हैं, और आप तो जानते ही हैं कि विटामिन हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं, पर हेल्थ के लिए ये बहुत जरूरी है। कोई भी फ्रूट खाना खाने के तुरंत बाद नहीं खाना चाहिए। रीजन ये है कि फ्रूट बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन जो खाना आपने खाया है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये सब देर से डाइजेस्ट होते हैं, और फ्रूट जो पहले डाइजेस्ट हो गया है वह फर्मेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, मींस सड़ने लग जाएगा, और उसमें गैसेस बनने लगेगी जिससे एसिडिटी होगी, पेट भी फूल सकता है, सर में भी दर्द हो सकता है। तो यदि आप फ्रूट खाना चाहते हैं तो खाना खाने के 2 घंटे पहले खाएं या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद में खाएं, ये ही सही टाइम है। जितना आपका वेट है उतने ग्राम फ्रूट खाना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपका वेट 70 किलोग्राम है तो आपको 700 ग्राम फ्रूट खाना चाहिए। सेकंड, स्टे अवे फ्रॉम टी। खाना खाने के तुरंत बाद चाय नहीं पीनी चाहिए। चाय का नेचर एसिडिक होता है। यहाँ पर मैं उस चाय की बात कर रहा हूँ जो कि नॉर्मल इंडियन घरों में बनती है, जिसमें दूध, पानी, चाय की पत्ती डाली जाती है, और सारे न्यूट्रिएंट जहाँ एब्जॉर्ब होते हैं वह जगह है स्मॉल इंटेस्टिन। और एक बात आपको बताए कि जो जूसेस स्मॉल इंटेस्टिन में सिक्रीट होते हैं उनका नेचर अल्कलाइन होता है, क्योंकि कोई भी न्यूट्रिएंट एसिडिक नेचर में डैमेज हो जाएगा वह अल्कलाइन में ही एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता है। चाय एसिडिक नेचर की होती है। खाना खाने के तुरंत बाद अगर चाय पी जाएगी तो एसिड की वजह से न्यूट्रिएंट डैमेज हो जाएंगे और खाना भी डाइजेस्ट नहीं होगा। समटाइम्स यू मे फील एसिडिटी ऑल्सो। अगर आपको चाय पीनी ही है तो खाना खाने के 2 घंटे बाद आप चाय पी सकते हैं। थर्ड, डोंट गल्प वाटर। अमूमन ये देखा गया है कि कुछ लोग जब खाना खाते हैं तो साथ में एक पानी का ग्लास लेकर बैठते हैं और बीच बीच में पानी पीते भी जाते हैं, और कुछ तो ऐसा भी कहते हैं कि हमसे खाना निगला नहीं जाता है और वो लोग हर निवाले के साथ पानी पीते हैं। ये सबसे ज्यादा गलत है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खाना डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन इन्वॉल्व होते हैं, और ये सब ऑर्गन कुछ जूसेस सिक्रीट करते हैं जो कि भोजन को डाइजेस्ट करने में है करते हैं। सबसे पहले माउथ में सलाइवा होता है, यहीं से आपका खाना स्टमक में जाता है और सलाइवा खाने को थोड़ा तरल बनाता है, जिससे खाना आसानी से गले से निकलकर स्टमक में जा सके। अब देखिए, यदि आप खाने के हर कौर के साथ पानी पिएंगे तो वो जूस जो पाचन में हेल्प करते हैं वह डाइल्यूट हो जाएंगे, तो जो काम उन जूसेस का है
वह सही तरीके से नहीं कर पाएंगे और खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। पानी पीने का सही समय खाने के एक घंटे पहले और खाना खाने के 45 मिनट्स बाद का होना चाहिए। डोंट टेक बाथ इमीडिएटली आफ्टर मील। खाना खाने के तुरंत बाद नहाना नहीं चाहिए। आयुर्वेद में एक शब्द आता है जिसे जठर अग्नि कहते हैं। इसका मतलब पेट की भी अग्नि होती है। ये वही अग्नि है जो भोजन को पचाने में हेल्प करती है, तो ये अग्नि भोजन पाचन के लिए अति आवश्यक है। अगर हम खाना खाने के तुरंत बाद नहाने जाते हैं तो उस अग्नि पर ठंडा पानी ऊपर से पड़ने से अग्नि थोड़ा शांत हो जाएगी, जिससे खाना पचाने के लिए जितनी अग्नि की आवश्यकता होती है वह शरीर को नहीं मिल पाएगी और खाना ठीक से पच नहीं पाएगा, और जो चीज पचती नहीं है वह पेट में रहकर अपच करेगी, फिर अलग अलग तरह की बीमारियां उत्पन्न होगी। नहाना हो तो खाना खाने से पहले नहाना चाहिए। कुछ और टिप्स। खाना खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं चाहिए। खाना खाने के बाद 100 कदम जरूर चलना चाहिए। खाना खाने के बाद 10 मिनट वज्र आसन में बैठना चाहिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।